धार्मिक नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या पहुंचे। यहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और श्री रामलला के दर्शन पूजन किए। इस दौरान उन्होंने तमाम जगह पर जाकर निरीक्षण भी किया। निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा संग्रहालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर राम मंदिर के महंत, संतों और प्रशासनिक लोगों के साथ बैठक की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश और उत्तर प्रदेश में उत्साह का माहौल है। प्रशासन द्वारा बाहर क्या व्यवस्था हुई है, उसी की समीक्षा करने के लिए आज पुनः मैं यहां आया हूं। यहां का स्थानीय स्तर पर प्रशासन और मंत्रियों ने पहले से हर प्रकार की व्यवस्था सुविधा की समीक्षा कर रहे हैं। 22 जनवरी से इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से सम्पन्न कराया जाएगा। संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में समारोह की दृष्टि से बाहर क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, प्रशासन इस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज पुनः मैं एक बार यहां पर आया हूं। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं को, चाहे वह यहाँ के लोकल स्तर पर ट्रस्ट के साथ समन्वय का हो, यहाँ के सुविधाओं का हो, ट्रैफिक का है, सुरक्षा का है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अंतिम चरणों में सारी कार्रवाई उनकी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसे हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देंगे। रिपेयरिंग पार्ट्स एवं मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता, हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, एमआई, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ जस्ट वन टेलीकॉम। हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।